दुनिया में सक्सेस प्राप्त करने के बहुत से अवसर अपॉर्चुनिटी हैं। लोग इन्हीं अवसरों का प्रयोग करके सफलता की ओर आगे बढ़े चले जा रहे हैं, लेकिन सफलता के रास्ते में बार बार एक बहुत बड़ा पत्थर हमारा रास्ता रोकने आ जाता है। उस पत्थर का नाम है आलस या लेजीनेस। आलस के 5 मुख्य कारण। नंबर 1, यदि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो दिन भर आप आलस को अपने माइंड और बॉडी में महसूस करेंगे। नंबर 2, यदि आप जरूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं या दिन में समय पर खाना नहीं खाते हैं तो आपको आलस घेर लेगा और दिन भर आप परेशान रहेंगे। नंबर 3, यदि आप निगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो भी आपको आलस बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग और आलस एक ही साथ रहते हैं। नंबर 4, यदि आप अस्त व्यस्त जीवन व्यतीत करते हैं तो लेजीनेस आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। नंबर 5, छोटे छोटे कामों को बहुत बड़ा समझने से भी आलस आपको पकड़ लेता है और आप कोई भी काम नहीं कर पाते। दोस्तों, मैं आपको आलस दूर करने के उपाय बताऊंगा। आलस भगाने के यह तरीके बहुत आसान हैं। यदि मन में ठान लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति इस किस को अपना सकता है और आलस पर विजय प्राप्त कर सकता है। आलस को दूर करने के 21 तरीके। नंबर 1, यदि आलस ने आपको घेर रखा है तो उस कार्य के फायदे के बारे में सोचें जिसको आप लेजीनेस के कारण नहीं कर पा रहे हैं। कार्य के परिणाम के बारे में सोचें। ऐसा करने से आपके अंदर कार्य करने की इच्छा प्राप्त होगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। नंबर 2, कई बार किसी बड़े काम को देखकर भी आलस आ जाता है। यदि ऐसा है तो उस वर्क को टुकड़े में बांट लें। अब वही कार्य आसान हो जाएगा। पहले एक टुकड़े को पूरा करें, फिर कुछ टाइम बाद दूसरे को पूरा करें। जैसे जैसे काम पूरा होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आलस कोसों दूर भाग जाएगा। नंबर 3, किसी भी कार्य को लगातार ना करें। ऐसा करने से आपको थकान होगी और आपको आलस घेर लेगा। कार्य करते हुए बीच बीच में ब्रेक या रेस्ट लेते रहें। इस तरीके से लेजीनेस आपके पास नहीं आएगा और आपका वर्क आपको आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। नंबर 4, आलस को भगाने के लिए आप खुद को अंदर से प्रेरित करें। जब भी आप आलस महसूस करें तो इन मैजिक वर्ड्स को स्वयं बार बार कहें। आई एम पॉजिटिव पर्सन, आई एम क्रिएटिव पर्सन, आई एम वर्किंग पर्सन एंड आई एम सक्सेसफुल पर्सन। यह सब आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का कार्य करेगा और आपका आलस तुरंत भाग जाएगा। नंबर 5, लेजीनेस दूर करने के लिए आप बाहर से मिलने वाली प्रेरणा से भी खुद को प्रेरित कर सकते हैं। इसके लिए आप आलस दूर करने के टिप्स बताने वाली मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं। नंबर 6, हर व्यक्ति का एक गोल होता है। जब भी आप लेजीनेस महसूस करें तो तुरंत अपने गोल को याद करें। ऐसा करने से आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपका आलस तुरंत दूर चले जाएगा। नंबर 7, यदि आप चाहते हैं कि आलस आपके पास ना आए तो एक समय में एक ही कार्य करें। नंबर 8, कहते हैं कि टाइम इज मनी और यह सही भी है। तो जब भी आपको आलस आए तो आप जो समय आलस की वजह से वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में यह सोचें कि जितना टाइम आप खराब करेंगे उतना ही मनी आप खो रहे हैं। नंबर 9, किसी भी कार्य को टालना छोड़ दें, क्योंकि काम को टालना भी लेजीनेस कहलाता है। नंबर 10, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिनसे शारीरिक मेहनत करनी होती है। अगर वैसे वर्क करते समय आपको लेजीनेस ने घेर रखा है तो
आप यह सोचें कि यदि आप वह काम करेंगे तो वह कार्य भी हो जाएगा और साथ में बॉडी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ऐसा सोचने से उस कार्य के लिए आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आलस भाग जाएगा। नंबर 11, जब भी आपको आलस घेरने लगे तो आप सफल लोगों के बारे में सोचें, उनके बारे में पढ़ें, सोचें कि सफल लोगों ने किस प्रकार लेजीनेस पर विजय प्राप्त की, किस तरह उन्होंने खुद को एक्टिव रखा। सफल लोगों से सीखें कि किस प्रकार वह बिना आलस किए आगे बढ़ते गए और सफलता प्राप्त की। ऐसा सोचने से आपका आलस तुरंत भाग जाएगा। नंबर 12, दिन में आपको आलस से महसूस ना हो इसके लिए आप उस दिन करने वाले कार्यों की एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट को उस दिन का टारगेट बना लें। ऐसा करने से आपको पता होगा कि आज ही यह सभी कार्य आपको करने हैं और आपके टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, टारगेट के सामने आलस से टिक नहीं पाता। नंबर 13, आप जो भी जॉब करते हैं या वर्क करते हैं, यदि आप उस वर्क से प्यार करना सीख लेते तो आपको वह कार्य करते टाइम कभी भी आलस नहीं आएगा। नंबर 14, आप जो भी वर्क करें एक प्लान बनाकर करें। किसी भी काम को प्लानिंग के साथ करने से आलस नहीं आता बल्कि अच्छा लगता है। नंबर 15, अगर आप चाहते हैं कि आलस आपके पास ना आए तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। यदि आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो आलस आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि आलस नेगेटिव थिंकिंग का ही परिणाम है। नंबर 16, यदि आप रात में 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं तो आपका दिन एनर्जेटिक रहेगा, पूरे दिन आप फ्रेश महसूस करेंगे और आलस आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा। रात को नींद पूरी न करना दिन भर सुस्ती का एक प्रमुख कारण है। नंबर 17, अपने खान पान को संतुलित रखें। इसके लिए आप मॉर्निंग टाइम में हैवी ब्रेकफास्ट लें तथा लंच और डिनर को हल्का लें। हैवी ब्रेकफास्ट आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा और लाइट लंच और डिनर आपको थका नहीं होने देगा। ऐसा करने से आलस आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। नंबर 18, सुबह जल्दी उठें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ज़्यादा हेल्दी ना करें। डेली एक्सरसाइज आपको हेल्दी बनाती है और आपके शरीर को फिट रखती है। इसके अतिरिक्त आप मेडिटेशन या योगा भी करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आलस नहीं आएगा। नंबर 19, जब भी आपको लेजीनेस फील हो तो आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं या ब्यूटीफुल फ्लावर को निहार सकते हैं या किसी भी अच्छी जगह वॉकिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आलस दूर हो जाता है। नंबर 20, लेजीनेस को दूर भगाने के लिए आप एक्शन और मूविंग के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि यह दोनों आलस के अपोजिट होते हैं। यह आपके माइंड को एक्टिव करेंगे और आपका आलस काफी कम हो जाएगा। नंबर 21, एक जैसा कार्य रोज करते रहने से उस कार्य के लिए आप बोरिंग फील करने लगते हैं। अतः कभी कभी कुछ क्रिएटिव करें, कुछ न्यू करें। महीने में एक बार अपनी मनपसंद जगह चले जाएं। ऐसा करने से आलस पास नहीं आता। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।